मेरी गलती की सजा मैं अपनी बहन को नहीं भुगतने दूंगी। चलो तुमने एक्सेप्ट तो किया कि तुमने गलत किया है, तुमने मान तो लिया कि तुम सही नहीं हो, गलती तुम्हारी है। अगर गलती मेरी नहीं होती तो क्या तुम मेरी बहन को परेशान नहीं करते, उसके साथ ऐसा बुरा नहीं करते? तुम्हारी बहन के साथ मैं गलत करूं या सही, अगर तुम्हें इस बात की फिक्र हो रही है ना, तो मैं इसमें तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता, क्योंकि मैं तो चाहता हूं तुम फिक्र करो, तुम सुकून में रहो, ये मुझे मंजूर नहीं है। अगर तुम्हें लगता है कि तुम मुझसे जीत के आगे बढ़ सकती हो तो नहीं, ऐसा मैं कभी होने नहीं दूंगा। और अगर तुम्हें लगता है कि तुम अपनी बहन को मुझसे बचा सकती हो तो जाओ, जाओ जाके बोल दो उसको, बोल दो जो किया है तुमने किया है और मैं हार गया, लेकिन उसके बाद तुम्हारी बहन के दिल में जो जगह मैं बनाऊंगा ना, मुझे उसके दिल से कोई निकाल नहीं सकता, वो सिर्फ और सिर्फ मुझ पर विश्वास करेगी, और फिर वो ना तुम्हारी सुनेगी ना किसी और की, और जब मुझे दिखेगा कि वो मुझे अपना सब कुछ मान रही है और मैं उसका सब कुछ बन गया हूं, उसका वजूद, उसकी जिंदगी, उसका प्यार, उसका सब कुछ, आशु, रियो, एक सेकंड, वो इसके पहले कि तुम मुझे कुछ कहो, मुझे तुमसे कुछ कहना है। वो पूर्वी के बेल के लिए मैं बेल हो गई? नहीं, मतलब नहीं हुई। अरे मेरी पूरी बात तो सुन लो, मेरे वकील का कॉल आया था और उसने मुझे बहुत ही वियर्ड सी न्यूज़ दी। उसने मुझे कहा कि वो कोर्ट तो गया था पेपर्स लेके, लेकिन पूर्वी की बेल ऑलरेडी हो चुकी थी, किसी और ने उसका बेल ऑलरेडी करवा दिया है। बेल हो गई? हाँ। किसी और ने, मतलब ये, एक मिनट, अरे पूरे बाल तो गीले हैं, मैं तुमको पहले ड्रायर दे। ओहो, ड्रायर तो खराब होके रखा है। तुम एक काम करो, तुम ना खिड़की के पास जाके अपने बाल सुखा लो, सुबह मैंने भी इसी तरह सुखाए थे। बेल हो गई। हाँ, मतलब पूर्वी अभी घर आ जाएगी, लेकिन ये दूसरा वकील कौन है जिसने उसकी बेल करवाई, मुझे समझ नहीं आ रहा। फोन आया है मेरा, पता नहीं किसका, आरवी का कॉल है, एक सेकंड। मैं, हाँ, हेलो आरवी जी, नमस्ते। नमस्ते, सुनो, पूर्वी की जो बेल है ना, वो बेल मिल गई, ये बताने के लिए फोन किया मैंने आपको, तो प्लीज आप चिंता मत कीजिए, मेरा वकील आ रहा है बेल लेके, और मैं पूर्वी को लेने पुलिस स्टेशन जा रहा हूँ। मैं सुबह मिला था पूर्वी से, और जैसे मैं अपने वकील के ऑफिस जा रहा था, उसने मुझे इन्फॉर्म किया कि उसको बेल के पेपर्स मिल गए, बेल ले लिया उसने। तुमने करा दी ना बेल? थैंक यू सो मच, मैं बता नहीं सकती, मैं कितने बड़े टेंशन में थी, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कुछ, लेकिन अब सब ठीक हो गया। पता नहीं पूर्वी की हालत कैसी होगी, लेकिन आई एम श्योर अब ठीक है। थैंक यू सो मच, तुम्हारा बहुत बड़ा एहसान है मुझ पर। अब प्लीज ऐसा मत बोलिए, बच्चे बड़ों पर कभी एहसान नहीं करते, ये तो उनका फर्ज होता है। मैं हमेशा कहती हूँ ना, तुम बहुत बड़ा वरदान हो, मैं आज भी यही कहूँगी। तुम सच में एक बहुत बड़ा वरदान हो हमारे लिए। मैं इतनी भाग्यशाली महसूस करती हूँ ना कि पूर्वी को तुम जैसा जीवन साथी मिला है। हमेशा खुश रहना, साथ रहना, और एक दूसरे का साथ कभी मत छोड़ना, ओके? थैंक्स। अच्छा, मैं ड्राइव करते हुए बात कर रहा हूँ। तुम ड्राइव कर रहे हो? ड्राइव करते हुए बात कर रहा है? ड्राइव करते हुए बात नहीं करनी चाहिए ना, ये गलत है। अच्छा ठीक है, मैं फोन रखती हूँ और पूर्वी से कहना मैं उससे मिलने आऊंगी, ठीक है? ओके बाय, ध्यान रखना। जी। सवाल कर रही हूँ, यहाँ पे कैसे कोई ठीक हो सकता है? ऊपर तो टेंशन मत लिया, हम पूरी कोशिश कर रहे तुझे यहाँ से बाहर निकाल लेंगे, बेल मिल जाएगी तो टेंशन मत लिया। क्यों, क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं। कोई और बात है क्या? किसी और बात से परेशान है ना, बताना। नहीं दी, वो माँ को लेके
थोड़ा सोच रही थी। माँ को लेकर क्या? देख मुझे पता है तू चिल्लाएगी। सॉरी मैंने नहीं बताया। वो बोलना पियू क्या? माँ थोड़ी परेशान है। माँ तुझे लेकर परेशान है? हम सब तुझे लेकर परेशान है पियू। नहीं दी, यहाँ का तो है पर बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है माँ के साथ। इनफैक्ट हमारे पूरे घर वालों के साथ। क्या प्रॉब्लम हो गई? प्लीज पियू अभी मुझसे कुछ मत छुपा, प्लीज बोलना। पियू हमारी फैमिली पे कर्जा हो गया है, बहुत बड़ा कर्जा हो गया है। पता नहीं वो कोई कॉन्ट्रैक्ट मिला और एडवांस नहीं लिया तो मार्केट से पैसे उठा लिए और वो कॉन्ट्रैक्ट भी कैंसिल हो गया। कुछ हमारे घर का भी हो गया है, रेंट का नोटिस आ गया है, पेनल्टी लग गई है, पता नहीं थी बहुत कुछ हो गया है। और दिया ने बताया कि घर छोड़ने तक की नौबत आ गई और मुझे किसी ने बताया नहीं। थी तू जानती ना माँ को, वो नहीं बताती, उन्होंने मुझे भी नहीं बताया। चल कोई बात नहीं, कोई बात नहीं पियू, अभी मैं आ गई हूँ ना, मैं सब ठीक कर दूंगी। हम तुझे यहाँ से बाहर निकाल लेंगे, तेरी बेल भी हो जाएगी, ठीक है? टेंशन मत ले, मैं हूँ ना। नहीं थी तू, उल्टा तू मेरी चिंता मत कर। तू एक काम कर, तू घर जा, तू माँ के पास जा, उनके साथ रह, उनकी जो भी प्रॉब्लम है तू सॉल्व करने का ट्राई कर। मेरी चिंता मत कर, मैं ठीक हूँ। आरवी आ गया, उसने मुझे बोला है कि सब ठीक हो जाएगा और मैं चिंता ना करूं। और तुझे उस पे भरोसा है? खुशखबरी है तुम्हारे लिए, तुम्हें छोड़ा जा रहा है। तुम्हारा वकील बेल के पेपर लेकर आ रहा है। हाँ तुम्हें बेल मिल गई है, बहुत बड़ी पहुंच लगाई होगी तभी तुम्हें बेल मिली है, वरना मुझे तो लगा था आज बेल होना मुमकिन नहीं है। मान गए उसे, उसने नामुमकिन को भी मुमकिन कर दिया। किसने बिल करवाए? कौन है? तुम्हारे पति ने, आरवी। आरवी के वकील का फोन आया था कि तुम्हें बेल मिल गई है, तो हम तुम्हें छोड़ने के लिए पेपर वगैरह तैयार कर ले। आरवी, चिंता मत करना, फिर उसने भरोसा किया और मेरा भरोसा गलत नहीं गया दी। फिर उसने मुझे बाहर निकाल दिया, बेल करवा दी उसने मेरी। बोलने में कैसा भी हो, लड़का बहुत अच्छा इंसान है, लड़का बहुत अच्छा इंसान है। तुम्हारी बहन के दिल में जो जगह मैं बनाऊंगा ना, मुझे उसके दिल से कोई निकाल नहीं सकता। वो सिर्फ और सिर्फ मुझ पर विश्वास करेगी और फिर वो ना तुम्हारी सुनेगी ना किसी और की, तब मैं उसको छोड़ दूंगा। अच्छों के साथ हमेशा अच्छा ही होता है।